हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम बात करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले हमने बात की थी एडिशन पॉलीमराइजेशन की, हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, ठीक है। तो देखो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, मोनोमर लेते हैं और मोनोमर का क्या हम करते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं, ठीक। फिर क्या बनता है, हमारा पॉलीमर बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मोनोमर सिर्फ एक नहीं होता है, मोर देन, यहाँ पे टू या फिर मोर देन टू हम क्या करते हैं, मोनोमर्स लेते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं मोनोमर्स। फिर उनका हम क्या करते हैं, कराते हैं कंडेंसेशन कराते हैं, जिससे कि हमारा क्या बनता है, यहाँ पे पॉलीमर बनता है, साथ में यहाँ पे H2O या फिर अमोनिया का रिमूवल भी होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसके थ्रू जो हमारा पॉलीमर बनता है, ये उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जो कि आपको याद रखना है यहाँ पे, कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, टू डिफरेंट मोनोमर्स होने चाहिए, डिफरेंट मोनोमर्स होने चाहिए। अब इन ये जो मोनोमर्स होते हैं, डिफरेंट मोनोमर्स, इसमें आपको क्या है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और क्या होता है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में साथ में क्या होता है कि एमाइड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और एस्टिफिकेशन रिएक्शन भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इन एवरी स्टेप्स, हर स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O और अमोनिया हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, नायलॉन 6,6 का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। तो नायलॉन 6,6 में क्या होता है कि एडिपिक एसिड होता है और हम यहाँ पे लेते हैं हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैंने इसको HMDA लिखा हुआ है, यानी कि हेक्सामिथाइल डाईएमीन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये दोनों क्या है, मोनोमर है। अब देखो, ये जो मोनोमर है, ये दोनों ही मोनोमर क्या है, मतलब डिफरेंट मोनोमर है, यानी कि सेम नहीं है। देखो, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एडिपिक है, ये हमारे पास क्या है, हेक्सामिथाइल डाईएमीन है। तो अब देखो, ये जो हमारे पास एडिपिक एसिड है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एडिपिक एसिड, इसमें कार्बन कितने हमारे पास है, टोटल है, टोटल हमारे पास 4 ये हो गए, 5 हो गए और ये 6 हो गए। टोटल यहाँ पे कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं एडिपिक एसिड में। और यहाँ पर देखो, हमारे पास हेक्सामिथाइल डायामीन में टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं और 2 नाइट्रोजन है, ठीक। अब देखो क्या है कि ये जो हमारे पास इधर NH2 है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, NH2 है। यहाँ पे क्या होता है कि NH2 में से एक हाइड्रोजन और यहाँ पे COOH से OH हमारा, ठीक है, ये क्या करता है, H2O करके ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। देखो, ये H2O करके बाहर निकल गया। तो यहाँ पे देखो, हमने क्या देखा, डिफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि डिफरेंट हमारे पास मोनोमर्स होंगे जो कि क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, यानी कि उनका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। और यहाँ पे H2O का हमारे पास क्या हो जा रहा है, रिमूवल हो जा रहा है, और जिससे कि हमारे हमारा एक यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास इंटरमीडिएट एक स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। फिर आगे फर्दर ऐसे ही हमारे पास एडिपिक एसिड और उसके बाद फिर हमारे पास हेक्सामिथाइल डायामीन कंटिन्यूस आते रहते हैं और ये अपनी रिएक्शन करते रहते हैं, जिससे आफ्टर ऑल हमें लास्ट में क्या है, पॉलीमर मिल जाता है। तो हम आगे का देखते हैं, यहाँ पे क्या बनता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए, ये हमें क्या मिला है, ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि CO और यहाँ पे NH, ठीक है, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, एमाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर से हमारे पास क्या है, एक हम यहाँ पे मोनोमर लेकर के आएंगे, किसका, एडिपिक एसिड का लेकर के आएंगे, ठीक। अब ये एडिपिक एसिड क्या करेगा, इधर ये जो हमारे पास NH2 है, इसके हाइड्रोजन और इधर इसका OH, दोनों क्या करेंगे, H2O करके हमारा क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो हमारे पास क्या है, COOH CH2 का होल फोर, सी डबल बॉन्ड ओ और NH, और CH2 का होल ऑफ 6 और NH, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे CH2 का होल फोर और COOH हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। फिर क्या है, एक बार हमने यहाँ पे एडिपिक एसिड लिया, फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, हेक्सामिथाइल डाईएमीन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये हेक्सामिथाइल डाईएमीन का जो ये NH2 है, इसका हाइड्रोजन और यहाँ पे इसका जो है COOH का हमारे पास OH, ये दोनों क्या करेंगे, H2O करके ये हमारा बाहर निकल जाएगा और जो बाकी हमारे पास यूनिट होगी हेक्सामिथाइल डायामीन की, वो यहाँ पे एमाइड लिंकेज बना लेगा। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास था ना पहले, ये हमारे पास था यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, ये देखो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, नहीं ठीक है, हाँ ये सही है, COOH और यहाँ पे NH2 हो जाएगा, COOH और यहाँ पे NH, CO और CH2 का होल फोर और COOH, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे आगे आगे आकर के हमारे पास यूनिट जुड़ जाएगी। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास यूनिट जो है हेक्सामिथाइल डायामीन थी, वो यहाँ पे COOH के साथ में, COOH का OH और यहाँ NH2 का हाइड्रोजन निकल करके वो H2 करके बाहर निकल गया, और ये हमारे पास देखिए एमाइड ग्रुप हमारे पास बन गया। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें एक यूनिट ढूंढनी है हमें, ठीक है। यूनिट हम इसमें से निकाल लेंगे, एक यूनिट हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ से ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट हो जाएगी, ठीक है, पॉलीमर की यूनिट हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे एक ये यूनिट हमें निकालनी है, जो कि मतलब यहाँ पे रिपीट हो रही है, यानी कि एन नंबर ऑफ
यूनिट्स इस तरीके की बहुत सारी यूनिट्स आएंगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये देखो यहाँ से क्या, सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, सी एच टू का होल फोर हो गया, और सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, एन एच हो गया, उसके बाद सी एच टू का होल ऑफ सिक्स, और एन एच का होल ऑफ एन हो गया, ठीक है, यानी कि एन नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास इस तरीके की होंगी, जिससे कि हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉलीमर बनेगा। और वो पॉलीमर हम कौन सा बना रहे हैं, यहाँ पे नाइलॉन सिक्स सिक्स बना रहे हैं, ठीक है, कौन सा पॉलीमर हम बना रहे हैं, नाइलॉन सिक्स सिक्स बना रहे हैं। अभी देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये नाइलॉन तो हो गया, चलो ठीक है, जो हमारा यहाँ पे पॉलीमर बनेगा ये कौन सा पॉलीमर बनेगा, ये नाइलॉन सिक्स सिक्स हमारा पॉलीमर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे नाइलॉन सिक्स हमने लिखा यहाँ पे, नाइलॉन सिक्स, ये सिक्स सिक्स क्या है, तो सिक्स सिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो यहाँ पे क्या है, हेक्सामेथिलीन डायमीन में छह कार्बन यहाँ पे है हमारे पास, ठीक, तो ये एक छह हो गया, ठीक है, सिक्स हो गया, और एडिपिक एसिड में देखो चार ये हो गए, पांच हो गए, और एक छह हो गए, ठीक, छह कार्बन इसमें भी है, तो ये जो सिक्स सिक्स लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है, डेकरॉन पॉलिस्टर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो डेकरॉन पॉलिस्टर है, इसमें देखो हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पे लेते हैं इस तरीके से, और इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन हम ट्रिप्टैलिक एसिड के साथ में कराते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, H2O का रिमूवल हो रहा है, एक बार आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल उनको ऐड कराना है, ठीक है, उसके बाद फिर ट्रिप्टैलिक एसिड को ऐड कराना है, इसी तरीके से हमें क्या है, डेकरॉन पॉलिस्टर लास्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे H2O करके ये हमारा क्या है बाहर निकल रहा है, ये H2O निकल गया हमारा, ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या है, एक हमारे यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल और ट्रिप्टैलिक एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, उसके बाद फिर ये हमारा जो प्रोडक्ट बना, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल लेंगे, और इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन इसके साथ में हो जाएगी, तो देखो यहाँ से क्या है, H2O करके ये भी हमारा क्या है बाहर निकल जाएगा H2O करके, और उसके बाद फिर ये हमारे पास एक एक हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये हमारे पास बनेगा, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिप्टैलिक एसिड लेंगे, और ट्रिप्टैलिक एसिड फिर से यहाँ पे इसके साथ में हमारे रिएक्शन करेगा, और H2O करके यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, और फिर से क्या होगा, एक हमें ये पॉलीमर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो क्या है कि इसमें एक हमें यूनिट ढूंढ लेनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूनिट देख लेते हैं, ये हमें क्या है, यूनिट हमें मिल रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक एक यूनिट हमें मिल जाएगी। तो ये देखो हमें क्या है, एक यूनिट मिल गई, कि ये यूनिट क्या है, एन नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी क्या है, रिपीटेड यूनिट्स हैं, और ये हमारा जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलीमर कौन सा हो जाएगा, डेकेरॉन, इसका नाम क्या होता है, डेकेरॉन पॉलीएस्टर हमारा यहाँ पे ये जो है पॉलीमर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट, अब उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे आता है, हमारे पास यहाँ पे आता है कोपॉलीमराइजेशन या फिर हेटरोपॉलीमराइजेशन। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि दो या दो से अधिक हमारे पास जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं आपस में, ये कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कोपॉलीमर बनाते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, कोपॉलीमर कहते हैं, ठीक है। दो या फिर दो से अधिक हमारे पास जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कोपॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं या फिर हेटरोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, टू आर मोर देन टू मोनोमर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कोपॉलीमर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोपॉलीमराइजेशन और हेटरोपॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। कोपॉलीमर हमारे क्या है, फोर टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक होता है रैंडम कोपॉलीमर होता है। रैंडम कोपॉलीमर में क्या होता है, जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं उनमें क्या होती है, रैंडमनेस होती है, मतलब वो किसी एक सीक्वेंस में नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है, मतलब वो कहीं ए आ जाएगा, कहीं बी है, तो कहीं ए ए होगा तो कहीं बी बी होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, जैसे ए आया उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर ए ए ए जुड़ गया करके, फिर बी बी आ गया, फिर ए आया, फिर बी, फिर ए ए आ गया, तो यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा है हमें मोनोमर्स का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रैंडमनेस हमें देखने को मिल रही है ए मोनोमर, ए और बी मोनोमर्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास कोपॉलीमर है, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर होता है। अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर में क्या होता है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है कि पहले ए आएगा पॉलीमर मोनोमर आएगा, उसके बाद दूसरा हमारे पास बी मोनोमर आएगा, फिर ए मोनोमर आएगा, फिर बी हमारे पास मोनोमर आएगा, ठीक, इस तरीके से हमारा क्या है यहाँ पे सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दे दिया आपको, ए आया उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर ए, फिर बी, ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से यहाँ पे क्या है एक सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है ए और बी मोनोमर का। नेक्स्ट आगे आते हैं, दूसरा हमारे पास है ब्लॉक कोपॉलीमर कहलाता है, ठीक है। ब्लॉक कोपॉलीमर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास क्या है, जैसे मान लो ए ए ए हमारे पास क्या है मोनोमर है, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है मोनोमर है, तो ए का एक ग्रुप ऑफ मोनोमर हो जाएगा, ठीक है, जो मोनोमर हमारे पास है, जैसे ए ए हमारे पास मोनोमर है, ये अपना एक ग्रुप बनाएगा, बी मोनोमर है वो अपना एक ग्रुप बनाएगा, तो एक ए मोनोमर का ग्रुप, उसके बाद फिर बी मोनोमर का ग्रुप आगे जुड़ेगा करके, उसके बाद फिर ए मोनोमर का यहाँ पे ए मोनोमर का यहाँ पे ग्रुप जुड़ेगा, फिर उसके बाद बी मोनोमर का ग्रुप जुड़ता है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, देखो एग्जांपल हमने दे रखा है कि ए ए ए आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा मोनोमर, उसके बाद फिर
ए आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप्स जो होते हैं वो अल्टरन, जो यहाँ पे मोनोमर यूनिट्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप जो यहाँ पे ग्रुप्स के जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं ग्रुप्स के, वो यहाँ पे अल्टरनेट मैनर में जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफ्ट कोपॉलीमर की बात करते हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग की बात कही जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो हमें हमें हमारी एक क्या होती है, मेन मेन चेन होती है पॉलीमर की, जो किसी एक पर्टिकुलर मोनोमर की होगी, या तो वो ए की हो सकती है या तो बी की हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दी गई है वो ए की है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, सारे के सारे एक ए मोनोमर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो दूसरा मोनोमर होता है वो क्या करता है, ब्रांचिंग करता है उसी, जो हमारी जो मेन हमारी मेन जो हमारे पास पॉलीमर चेन है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर मोनोमर के की, तो उसी के साथ में जो दूसरा मोनोमर है वो क्या कर लेता है, ब्रांचिंग कर लेता है आकर के। तो यहाँ पे देखो हमने क्या दिखाया, यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ब्रांचिंग कर रहा है आकर के, ठीक है। तो ये देखो इधर से ये इसने क्या किया, ब्रांचिंग कर लिया बी ने, इधर भी ब्रांचिंग कर लिया ए वाले ने। ए हमारी जो ए हमारे पास जो मोनोमर है वो हमारी क्या हो जाएगी, मेन पॉलीमर चेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू सो मच।